अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। ये हैं आसिम कमाल, जिनका ताल्लुक शहर इकबाल सियालकोट से है। स्पीड पेंटिंग में इनका पूरे पाकिस्तान में कोई सानी नहीं है। ये सबसे कम तरीन वक्त में सबसे बेहतरीन खूबसूरत पेंटिंग्स बनाते हैं, चाहे वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की हों, अलामा मोहम्मद इकबाल की हों, या कोई भी हमारा कौमी हीरो हो। ये विद इन 3 मिनट्स उसकी पेंटिंग बना लेते हैं और इनका ये दावा है जिस स्पीड से ये पेंटिंग बनाते हैं 3 मिनट के अंदर अंदर कोई भी पाकिस्तानी शख्स अगर पेंटिंग बना सकता है तो वो इनको चैलेंज कर सकता है और उस चैलेंज को हम डेली पाकिस्तान की स्क्रीन पर दिखाएंगे। अब ये किस तरीके से तेज पेंटिंग करते हैं ये हम इन्हीं से जानते हैं। जनाब क्या बनाने जा रहे हैं आज आप? ये सरप्राइज होगा जब मैं पेंटिंग कम्प्लीट करूंगा तो नाज़रीन भी देख सकते हैं कि ये किसकी पेंटिंग बनी। किस तरीके से बनाते हैं इसको आप? मैं ग्लू से पेंटिंग करता हूँ, पेंटिंग इनविजिबल होती है। जब मैं इसके ऊपर पाउडर फेंकूंगा तब ये पेंटिंग विजिबल होगी। 3 मिनट के अरसे में बना लेंगे आप? जी 3 मिनट के वक्त में बना लोगे जी। आप अपने कैमरे की स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहले इन्होंने अपने हाथ में 2 ब्रश लिए हैं और व्हाइट ग्लू की फॉर्म में इनके पास एक पेंट है जिसको ये ब्रश के जरिए से कैनवस की सरफेस पर अप्लाई कर रहे हैं। और जिस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं वो तमाम तर मनाजिर आप अपने स्क्रीन पर देखिए। तमाम का तमाम ग्लू अप्लाई कर दिया गया है और अब पाउडर को इस सरफेस के ऊपर फेंकेंगे जिसको स्पीड पेंटिंग आ जाता है। कौन सा हमारा कौमी हीरो निकलेगा ये आपने देखकर खुद फैसला करना है। जी जनाब फेंकिएगा। ये तो अब्दुल सत्तार ईदी साहब हैं जो कि हमारे कौमी हीरो हैं और ईदी एम्बुलेंस जो कि पाकिस्तान की बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस उस शख्स ने खिदमत खल्क के लिए पाकिस्तानियों के लिए बनाई। आसिम कमाल साहब ने प्रूव किया है कि मैं 3 मिनट के अंदर अंदर इस पेंटिंग को कम्प्लीट करूंगा। कितनी शानदार खूबसूरत और डेप्थ में बनाई गई है जिसमें उनकी दाढ़ी, उनकी टोपी और उनके चेहरे के कर्व्स भी बाकायदा तौर पर डेप्थ में यहाँ किए गए हैं। आसिम कमाल साहब आप वाकई कमाल करते हैं, ये कमाल महारत आपने आई कैसे? मैं जब यूनिवर्सिटी लाइफ में गया तो मुझे पेंटिंग का शौक हुआ तो मैंने स्केचिंग से स्टार्ट किया था। 1-2 साल मैं स्केचिंग करता रहा, कंपटीशन में जाता रहा। मैंने कुछ न्यू करने की कोशिश की तो मेरे माइंड में ये आइडिया आया कि क्यों ना स्पीड से पेंट किया जाए। आप अब तक कौन कौन से कौमी हीरोज की पेंटिंग्स बना चुके हैं? अलामा इकबाल की पेंटिंग बना चुका हूँ मैं, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पेंटिंग बना चुका हूँ। इकरारुल हसन साहब की गिवन में उनकी पेंटिंग बना चुका हूँ। ये कहना भेजा ना होगा कि आप आए हैं और आपने बनाकर उड़ा दिया, नहीं, इसके लिए प्रैक्टिस बड़ी चाहिए होगी। तो कितनी प्रैक्टिस करते हैं? कम से कम 2 से 3 दफा जो है ना ये पेंटिंग को पहले परफॉर्म करना होता है, कहीं पर भी लाइव आके परफॉर्म करने से पहले। तो जी आसिम कमाल साहब रियल एंड पॉजिटिव टैलेंट ऑफ पाकिस्तान है, ऐसा कमाल का टैलेंट है पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आप 3 मिनट से कम अरसे में इनसे भी खूबसूरत पेंटिंग बना सकते हैं तो आप डेली पाकिस्तान पे हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। आपका और आसिम कमाल साहब का मुकाबला पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा। अगर आपके पास भी कोई टैलेंट, मोटिवेशनल स्टोरी या हैरत अंगेज कोई भी कंटेंट है तो आप डेली पाकिस्तान पे इनबॉक्स कर सकते हैं। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए, देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।